अधिसूचना अनाउंसमेंट किया गया है, उद्घोषणा की गई है, उसके क्रम में अपना ललितपुर जनपद है जिसमें 226 ललितपुर विधानसभा एवं 227 मेहरौनी विधानसभा का क्षेत्र सम्मिलित है। यह आयोग के द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार तृतीय चरण में आ रहा है, जिसके अंतर्गत ये 25 जनवरी 2022 को इसकी नोटिफिकेशन या अधिसूचना जारी की जाएगी और 25 से ही फिर नामांकन पत्रों की बिक्री प्रारंभ हो जाएगी और यह नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक 1 फरवरी 2022 दिन मंगलवार तक रहेगा और इसके बाद 2 फरवरी को नाम निर्देशन पत्रों को स्क्रूटनी या उनकी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद 4 फरवरी को नॉमिनेशन का विड्रॉल हो सकता है और मतदान 20 फरवरी तथा मतगणना का दिनांक 10 मार्च 2022। इस तरह से जो अमरपुर कृषि उत्पादन मंडी समिति के नीलामी के 3 सेट चबूतरे हैं वहां पर आरोज के देखरेख में मतगणना का कार्य 10 मार्च को किया जाएगा। और इसके अलावा जनरल है कि जैसे अपने जनपद में 15,17,000 हमारे जनसंख्या प्रोजेक्टेड है, 1/1/2022 को जो प्रोजेक्टेड जनसंख्या आयोग ने घोषित की है, इसमें हमारा जो जेंडर रेशियो है वो जो है हमारा जेंडर रेशियो जो सेंसस है उसमें 908 है। इसके अलावा हमारे जिले का वोटर लिस्ट का सेंस जो हमारा जेंडर रेशियो है 919 है तथा एक ईपी इलेक्टर सेकेंड पॉपुलेशन ईपी रेशियो है, ईपी रेशियो हमारा 61.75 है, यानी वोटर लिस्ट में 18 प्लस की जो वोटर संख्या है वो 61.75 है। और वैक्सीनेशन कितना हो गया ये भी आप गांव में जाके पता कर लें, उससे ये सुविधा होगी कि हम फिर वोटर लिस्ट में जितने भी लोग हमारे हैं उनको हम जा के बीएलओ के माध्यम से ये एश्योर करेंगे कि उन सबको प्रथम डोज और जिनका प्रथम डोज ड्यू है उनको सेकंड डोज, जिसका सेकंड डोज ड्यू है उसको ये लग जाए इलेक्शन के पहले। आयोग ने 20 तारीख लगभग कहा है, शासन ने भी पहले कहा हुआ था, तो इस तारीख तक हम कोशिश करेंगे कि हो जाए। हमारी कई आप लोगों ने मुझको फोन पर बताया भी, हम लोग कई दिन से लगे हैं इस अभियान में, हर जगह टीकाकरण चल भी रहा है। मेन चीज जो फोकस कर रहा था वो जो MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है एनफोर्समेंट का है, तो उसमें जनरली डायरेक्शन वही रहते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है हर बार, तो जनरल डायरेक्शन वही है, उसी के अंतर्गत अभी ये पार्टी की रैलीज और ये सब जो भी फिजिकल जितने भी कार्यक्रम है वो सब आयोग ने मना कर रखा है, बैन किया हुआ है 15 तारीख तक। 15 के बाद वो फिर इसका रिवैल्यूएशन करेंगे और उसके बाद डायरेक्शन इशू करेंगे और वो उनको खुद ही अपना क्रिएट करना पड़ता है, चाहे जूम से या जैसे भी जिस माध्यम से वो करना चाहे करें, पार्टी जिसके लिए स्वतंत्र है। अपने लोग ड्यूटी पे जाएंगे उनको दोनों बार का टीकाकरण उनका हो चुका है, जिनका उसमें से 9 महीना पूरा हो चुका होगा उनको हम बूस्टर डोज भी दे देंगे ताकि वो एडिशनली और वो सेफ रहे, सिक्योर रहे। तो ये अरेंजमेंट ऑलरेडी आयोग के निर्देशन में हम लोग करने जा रहे हैं, बाकी हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं। आपके आने के पहले पार्टी से बात हो गई, उसके पहले 11 बजे से हम लोग के प्रभारी अधिकारी जितने थे उनसे बैठक हो गई, सारे अरेंजमेंट हमने तय कर लिया है। ट्रेनिंग का पार्ट जो है वो CDO साहब खुद ही देख रहे हैं इनके।